स्वागत है आपका आपके मनपसंद टेक शो द मोबाइल्स एंड गैजेट्स शो में। मैं हूं दिनेश और मैं हूं अभिषेक और आज आप सब गीक्स के लिए हम लेकर आए हैं प्यार की पिचकारी। प्यार की पिचकारी? अरे प्यार की फुलवारी। सॉरी प्यार की फुलवारी। ये देखिए आपके आप सब लोगों के लिए यहाँ सजा के रखी है। दरअसल ये है द मोबाइल एंड गैजेट शो का वैलेंटाइंस डे स्पेशल शो और हम जो गीक्स होते हैं ना, हम लोग हर सब्जेक्ट्स में अव्वल, हर जगह लाइफ में हर जगह अव्वल, पर जब बात आती है ना प्यार और मोहब्बत की, आशिकी और मोहब्बत की, तो बस मार खा जाते हैं। तो इसीलिए आज हम आप सब गीक्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं, टेक टिप्स भी और लव टिप्स भी, जिससे आप गीक्स का स्टेटस वैलेंटाइंस डे पर सोशल मीडिया से, और भूलिएगा मत, हम दोनों आज आपके लव गुरु बन के आए। हाँ, तो आपका सोशल मीडिया पर स्टेटस, हमारा मिशन यह है कि सोशल मीडिया पर आपका स्टेटस बदल कर सिंगल से या तो कॉम्प्लिकेटेड होगा या तो इन अ रिलेशनशिप होगा। तो टिप नंबर वन क्या है दिनेश? टिप नंबर वन ये है कि आज के दिन, वैलेंटाइंस डे वाले दिन, आप अच्छे और मनपसंद गाने सुनिएगा। बिल्कुल, यो हनी सिंह एकदम सख्त मना है। अगर आपको गाने किसी के सुनने हैं तो या तो ब्रायन एडम्स सुनिए, या तो फिर तुमसे मिलने को दिल कर, बिल्कुल भी मत सुनिएगा इस तरह के गाने, या तो कुछ आशिकी वाशिकी वाले टाइप गाने, अच्छे से अगर हिंदी गाने सुनने हैं तो ब्रायन एडम्स सुनिए, एवरग्रीन। बिल्कुल, ये तो टिप नंबर वन हो गया, पर इसके साथ ही हम आपको एक और टिप दे दें, क्योंकि गीक्स हैं तो थोड़े से टेक टिप्स तो चलेंगे। बिल्कुल, तो हम आपको बताते हैं वो तीन टेक सर्विसेज, डेटिंग सर्विसेज, जिनकी मदद से आप इस साल अपना वैलेंटाइन चुन सकते हैं। एक अच्छी डेट पर जाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी डेट पर जाने के लिए एक साथी की भी तो जरूरत होती है। लेकिन शुक्र है आज के दौर में हमारे पास स्मार्टफोन है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ खास डेटिंग एप्स जिनकी मदद से आप भी इस वैलेंटाइंस डे पर अपने लिए वैलेंटाइन ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही हम डेटिंग एप्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है टिंडर का। जी हाँ, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में टिंडर सबसे पॉपुलर डेटिंग ऐप बन चुकी है। टिंडर की खासियत है इसका एल्गोरिथम, जो इसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी है, और वो है कि सिर्फ एक मिनट के अंदर आपको टिंडर आपके आसपास के लोगों से कनेक्ट करने का मौका देता है। कुछ खास फीचर्स जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स, सुपर लाइक ऑप्शंस आपको ज्यादा लोगों से जुड़ने का मौका देती है। यही नहीं, टिंडर पर आपको अपना प्रोफाइल कस्टमाइज करने का मौका भी मिलता है और साथ में आप अपने सर्च रिजल्ट्स को एज, डिस्टेंस जैसी ऑप्शन से फिल्टर भी कर सकते हैं। अगली ऐप है मेड इन इंडिया। जी हाँ, ये है ट्रूली मैडली डेटिंग ऐप, जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ये ऐप आपको डिस्टेंस और एज जैसे पैरामीटर से आगे बढ़ने का मौका देती है और आप अपने मनपसंद के लोग अपने इंटरेस्ट और हॉबीज के बेसिस पर ढूंढ सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि इसके यूनिक फीचर की मदद से आपकी इमेजेस सेफ रहती हैं और आप अपने दोस्तों को बोलकर अपने लिए ट्रस्ट स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा ट्रस्ट स्कोर्स मिलने का मतलब आपको ज्यादा लाइक्स मिलना। तो बॉस, अभी से अपने दोस्तों को फोन मिलाना शुरू कर दो।
तो भैया अभिषेक, हमने इनको टॉप थ्री डेटिंग एप्स तो बता दी हैं, लेकिन हमारी तरफ से, हम दो लव गुरु हैं, हमारी तरफ से लव टिप और टेक टिप अगली कौन सी होगी? देखिए, सबसे बड़ी टिप तो ये है कि दिनेश, आगे से कभी भी वैलेंटाइंस डे के दिन अगर गुलाब का फूल लेकर आओ ना, तो पत्ती और कांटे हटा देना, ऐसे ही अगर दोगे ना तो पक्का पिटोगे। दूसरी चीज ये कि एक जो टिप नंबर दो वो ये है कि ये वक्त एकदम परफेक्ट है अपनी मम्मी, भाभी, मौसी, दादी, बुआ जी, किसी को भी फोन लगाने का और उनसे ये जानने का कि वैलेंटाइंस डे के दिन क्या आप पका के खिला सकते हो। पकाना नहीं है, खाना पकाना है अच्छा वाला। अब मैगी मत बनवा देना। बिल्कुल, मैगी ना बना देना। मैगी बनाओगे तो कोई भी बना, सिंगल ही रहोगे आने वाले 400 सालों तक। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दिस नोट अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आइए, और भी कुछ टिप्स हम आपको बताने वाले हैं।